सो गाइस एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, मेरी YouTube में वीडियो शो नहीं हो रही है, मेरा अकाउंट भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो गया, किसी बंदे ने मेरे अकाउंट को हैक किया है और अभी मैं लगा हुआ हूँ काम में कि अपने चैनल को कैसे वापसी लेके आऊँ और मुझे अभी लिटरली हेल्प की जरूरत है। एकदम से सब कुछ बहुत खराब हुआ है भाई। सो गाइस अभी थोड़ा सा चल रहा है काम और अभी भी चैनल वापसी नहीं आया है, थोड़ी सी फीलिंग जो है वो ख़राब वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का प्यार है और सबका सपोर्ट है भाई, स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड और लेट्स सी सब कुछ कैसा रहता है भाई, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है और बाकी देखते हैं भाई कैसा क्या होगा। और आप लोग जो मेरी हेल्प कर सकते हो ये करो, यूट्यूब इंडिया को टैग करो, चाहे वीडियो ऐसे मुँह से बना के कि मुसाफिर आका जोशी का चैनल जो है वो किसी ने हैक कर लिया है, उसको हेल्प करो, क्योंकि YouTube इंडिया से मुझे कोई भी फीडबैक नहीं मिला है, प्लीज़ हेल्प करो, तभी कुछ हो सकता है। गुड मॉर्निंग मुसाफिर फैमिली, एंड रात जो है वो बहुत ख़राब गई है क्योंकि नींद कम आई है, लेकिन स्टिल होप फॉर द बेस्ट, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग अपना चैनल जल्दी से जल्दी वापसी लेके आएंगे। आप लोग कैसे मदद कर सकते हो, आप लोगों ने यूट्यूब इंडिया को टैग करना है या कोई भी रिनॉन्ड जो यूट्यूबर्स है, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स है, अगर आप में से कोई भी किसी को टैग कर सकता है तो प्लीज़ ज़रूर करो, मेरी प्रॉब्लम के बारे में बताओ एंड बहुत मेहनत करिए भाई, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, लेकिन स्टिल हो जाता है सीन, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का फुल सपोर्ट है, मैं जो हूँ आई एम ट्राइंग टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग और जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे, डोंट वरी, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आई विल बी कमिंग बैक और मुसाफिर विल कम बैक। आप लोगों ने करना है क्या, YouTube इंडिया को टैग करके मेरी प्रॉब्लम के बारे में बताओ, मेरे चैनल का मैंने URL भी शेयर किया है तो वो चीज़ के बारे में उनको बताओ, उनको पता होना चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारा चैनल वापसी आना चाहिए एंड आई एम द होपिंग बेस्ट कि भाई सब कुछ अच्छा हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज किसी के ऊपर भी वीडियो नहीं लेकर आया हूँ मैं, आज बहुत ही सीरियसली बात है क्योंकि जो बंदा आज इतने मेहनत कर रहा है, उसने इतना स्ट्रगल किया 3 सालों में उस चैनल के ऊपर, अचानक से उसका रात को कोई तो चैनल हैक कर लेता है। अभी रिसेंटली आपने सारी स्टोरीज देख ली होगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई आज बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई उसका चैनल नहीं, अपना खुद का चैनल ऐसा हैक हो गया ऐसा लग रहा है। कल 8:30 बजे का टाइम था, तब मैंने देखा कि उन्होंने मुसाफिर आका जोशी का चैनल, अभी मैं बात कर रहा हूँ, उनका ही चैनल किसी ने हैक कर लिया है। अगर जो जिस बंदे ने हैक कर लिया है वो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देख ले, तेरे को बोल रहा हूँ, ठीक है, तेरे को बोल रहा हूँ, अगर देख रहा है ना इस वीडियो को, समझ ले बात को कि आगे क्या बोलने जा रहा हूँ। कल रात की बात थी 8 बजे की, तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी, आपको जैसे पता ही होगा कि उन्होंने उनके गाड़ी के ऊपर i20 के ऊपर डिटेलिंग की वीडियो डाली थी, जो पेंट का डिटेल, वो मैंने कुछ आधी सी वीडियो देख ली थी पर लेकिन आधी रह रही थी देखने के लिए, शूट में बिजी हो चुका था, तो वो देखने के लिए मैंने फिर से यूट्यूब गया, वहाँ पर सर्च किया मुसाफिर आका जोशी i20, तो i20 की वीडियो डाली तो उनका ना चैनल दिख रहा था, ना उनकी वीडियोस दिख रही थी, ना उनकी i20 की भी वीडियोस दिख रही थी। आपको पता है एक वीडियो उन्होंने डाली थी कि स्विफ्ट की क्रोम एलॉय के ऊपर, जो उन्होंने अभी मोमोज का एलॉय डाले थे उस शॉप की तरफ से, तो वही वीडियो दिख रही थी, तो चलो भाई देखा, खोल के देखा तो वो वीडियो सीधा प्राइवेट हो गई, ऐसा क्यों भाई। फिर इंस्टाग्राम पे चला गया, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखी मैंने कि वो बोल रहे थे कि मेरा चैनल किसी ने हैक कर लिया है, उनके ना वीडियोस दिख रही है ना चैनल दिख रहा है। भाई क्यों कर रहे हो यार ऐसा, क्यों कर रहे हो, अगर कोई बंदा मेहनत करता है, कोई अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट लाता है यूट्यूब में, कॉम्पिटिशन करता है, या फिर वो बंदा वैसे कॉम्पिटिशन वाला नहीं था यार, उसकी उसकी मेहनत के ऊपर थी, जो अभी रियलिटी चल रही है वो लोगों के पास ला रहा था उस मीडियम के जरिए। 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद आप उसके चैनल को हैक कर लेते हो, ये कौन सी हिम्मत हो गई भाई, कौन सी हिम्मत बोल सकते हैं हम लोग इसको। अगर तेरे को लग रहा है ना कि वो बंदा गलत था तो उसके साथ सीधा मुंह पे जाके बोल कि भाई तू गलत थे, और लेकिन इसे पीठ के पीछे उसका चैनल हैक करवाना, उसके वीडियोज को प्राइवेट करवाना या फिर उसके वीडियोज को डिलीट करवाना, यह सही बात नहीं भाई।
चल तेरे को भी क्या बोलूँ, तू है ही वैसा देख रहा है तो। पर लेकिन तेरे को हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका अकाउंट उसको वापस कर दे। वो बंदा आज इतना मेहनत कर रहा है, अचानक उसका चैनल हैक हो जाता है और उसकी वीडियोस भी नहीं दिखा रही मेरी, तो उसको कैसा लग रहा है? एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। वो मेरी इंस्पिरेशन है, उनको देखकर मैं यूट्यूब की तरफ आया कि आज मैं कल जरूर सोच लिया था कि अपने गाड़ी की वीडियोस भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आया, बहुत ही सपोर्ट भी मिला लोगों का। आज मेरे गाड़ी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। तो वही तो मेहनत को समझो यार, इतने सारे हेट फैलाने के बाद उसका चैनल हैक करवाने, ये कौन सी बात हो गई बताओ मुझे। आज उस बंदे को बहुत ही मेहनत के मतलब कि मेहनत कर रहा है, पर लेकिन उसको बहुत ही बोल सकते हो एक दिलासा देने वाली बात की ज़रूरत है। अगर कोई भी बड़ा यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहा है या फिर भुवम बाम देख रहा है, मुंबई कर निखिल देख रहे हैं, टेक्निकल गुरुजी देख रहे हैं, आशीष भाई देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत वो बंदा बहुत ही डिप्रेशन में जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है उनकी स्टोरीज को देखकर। क्योंकि एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि ऐसा होने के बाद क्या उसके दिमाग में हलचल बच सकती है, क्या उसको सोच सकता है। तो प्लीज़ भाई, तू अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ उसका चैनल उसको वापस कर दे। वो बंदा आके मुझे पता नहीं कि आने वाली सिचुएशन कैसे होने वाली उसके बाद में, या फिर अभी तक वो सोच रहा होगा कि मेरा चैनल कब आएगा, मेरा चैनल मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो ऐसे ख्याल उसके मन में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ भाई उसका चैनल उसको वापस कर दे, चाहो तो उसके साथ माफ़ी भी मांग ले, ठीक है? प्लीज़ भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से एक बार मेरी रिक्वेस्ट सुन ले कि उसका चैनल उसको वापस कर दे। और हमारा फुल सपोर्ट रहेगा उनकी तरफ से कि अगर वो चैनल वापस नहीं करता तो हमारा फुल सपोर्ट रहेगा कि हम YouTube इंडिया को कंप्लीट कर दें। क्योंकि उन्होंने Instagram में देख ला आपने कि स्टोरीज में देख लिया कि वो बोल रहे हैं कि मुझे YouTube इंडिया से भी कोई भी फीडबैक नहीं मिल पाया। अभी कम से कम 10 से 9 घंटे हो चुके होंगे कि उनका चैनल हैक होने के बाद भी उन्होंने अभी तक तो कोई भी स्टोरीज नहीं डाली वैसे। पर लेकिन देखते हैं भाई, अगर कोई यूट्यूबर या फिर कोई भी इंस्टाग्रामर इस वीडियो को देख रहा है तो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करो, यूट्यूब इंडिया को टैग करो, सबसे बड़े यूट्यूबर को भी टैग करो कि उसकी हेल्प कर यार, ठीक है? अगर कोई भी बड़ा यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनको दिलासा दीजिए कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरा चैनल वैसे, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कर रहा हूँ? प्लीज़ भाई ऐसा करो, अगर कोई यूट्यूबर देख रहा है तो अपने YouTube के ऊपर जाओ, वीडियोस फुल बनाओ भाई, वीडियोस देखो और अपने टाइटल में हैशटैग YouTube इंडिया या फिर @YouTube इंडिया उनको टैग जरूर करना यार। तो ठीक है गाइस, यही मतलब था इस वीडियो को बनाने का। आज कोई भी इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि उनका चैनल उनको वापस मिल जाए या फिर YouTube इंडिया को उनको हेल्प करने की कोशिश हो जाए हमारे द्वारा, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाओ उनके लिए, क्योंकि उनका चैनल ही नहीं है उनके फॉलोअर्स के ऊपर मतलब कि उनके फैमिली मेम्बर के पास वो मैसेज पहुंचाने का। उनके इंस्टाग्राम पे तो मैसेज पहुंच चुका, पर लेकिन जो यूट्यूब पे मेन उनके फॉलोअर्स है उन्हें कैसे पता चलेगा? इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाओ, शेयर करो, लोगों के पास भेजो, अपने भाई दोस्त फ्रेंड्स फैमिली सबकी तरफ उनका मैसेज शेयर करो और उनके चैनल जल्द से जल्द मिलवाने का जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। लास्ट बार एक फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसका चैनल उसको वापस कर दे भाई, ऐसा उनको तकलीफ मत दे, ठीक है? थैंक यू।